हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के बारे में, जो कि एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंडर आता है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस के बारे में, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में, पेलिंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में एंड बायोकेमिकल एंड फिजिकल एविडेंसेस के बारे में। तो आज की वीडियो में हम ये जो दो एविडेंसेस हैं इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन सब वीडियोस का एंड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आई बटन में मिल जाएगा। अगर वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, दैट इज बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस एंड साइटोलॉजिकल एविडेंसेस। फर्स्ट हम बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस क्या होते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफीज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट अर्थ के पार्ट्स के अंदर एनिमल्स एंड प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी को ही बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस बोला जाता है। इट शोज द इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइक जो अर्थ है उसके अलग अलग पार्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं। अब इनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है? ठीक है, इनके बीच का इंटर रिलेशनशिप जो है वो जो है शो होता है इन स्टडीज से, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लाइक इस एरिया के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है? तो हम इंटर रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लांट्स का डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या अलग अलग करेक्टर है, उनके बिहेवियर है, एंसेस्ट्री है, उसको हम स्टडी करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। इसके बाद बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज वर डॉक्यूमेंटेड बाय चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? सबसे फर्स्ट यहाँ पे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलग अलग स्पीसीज का, लाइक उसने अपनी फिंचेस ली थी, डार्विन फिंचेस जिसको बोला जाता है, उन फिंचेस की उसने स्टडी की थी एंड अलग अलग जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके अंदर उसने स्टडी की थी। तो यहाँ पे ये जो है इसका शिप है, ठीक है, डार्विन ने जिसके थ्रू अपनी जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं जो गैलापागोस आइलैंड पे गया था, इस सिप के थ्रू गया था। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सिप का नाम क्या है, तो इस सिप का नाम है HMS बीगल। ठीक है, HMS बीगल शिप के थ्रू इसने जो है 1831 टू 1836 जो है वहां पे ये गया था एंड स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड के ऊपर इसने स्टडी की, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है स्पीसीज का उनकी स्टडी की। एंड इसने क्या, गैलापागोस आइलैंड क्या है, अ ग्रुप ऑफ अबाउट 22 आइलैंड्स ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन के हैं जो लाई करते हैं ऑन द इक्वेटर अबाउट 900 किलोमीटर ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से जो है ये उस साइड ये लाई करते हैं। लाइक इसमें अगर हम देखें यहाँ पे ये साउथ जो है साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड पे यहाँ पे ये गैलापागोस आइसलैंड जो कि एक 22 आइसलैंड्स है वोल्केनिक ओरिजिन की, तो इसके ऊपर डार्विन जो है गया था। डार्विन ने क्या किया था, एचएमएस बीगल के थ्रू जो अपनी वहां पे गया था एंड जो वहाँ गैलापागोस आइसलैंड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज थी, उनके डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की थी। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ, ए आर वेलेस ने डिवाइडेड द अर्थ इंटू 6 बायोजियोग्राफिकल रीलम्स। ठीक है, इसने 6 बायोजियोग्राफिकल रीलम्स के अंदर पूरी अर्थ को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड ये कौन कौन से रीलम्स थे? ये थे पैलियार्टिक, ओरिएंटल, इथोपियन, ऑस्ट्रेलियन, नियार्टिक एंड न्यूट्रोपिकल। ठीक है, ये 6 बायोजियोग्राफिकल रिलम्स के अंदर इसने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, फिर डिवाइड कर दिया था। These realms are separated from one another by major barriers. अब ये जो अलग अलग realms है ये क्या है, एक दूसरे से separated थे। separated कैसे थे? major barriers के through separated थे। अब ये major barrier क्या क्या हो सकते हैं,
ट्री हो सकता है, डेजर्ट हो सकती है, माउंटेन्स हो सकती है। लाइक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ओरिएंटल बायोजियोग्राफिकल रेलम जो है, ठीक है, ओरिएंटल बायोजियोग्राफिकल रेलम जो है विच इंक्लूड इंडिया ऑल्सो इज आइसोलेटेड फ्रॉम द पैलियार्टिक रिलम बाई हिमालयन माउंटेन। ठीक है, हिमालयन माउंटेन के थ्रू ये क्या है, सेपरेट है। तो हिमालयन क्या होगा, एक मेजर बैरियर हो गए दो रिलम्स के बीच में। एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन इथोपियन रिलम्स बाई सीज। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एंड इथोपियन जो है वो सीज के थ्रू यहाँ पे इसे अलग होता है, इसे आइसोलेट कर दिया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कैसे इन कॉन्टिनेंट्स की या फिर इन बायोजियोग्राफिकल एरियाज का हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन हुई थी, तो सबसे पहले क्या था यहाँ पे, सबसे पहले एक मास था अर्थ के ऊपर जिसको पेंजिया बोला जाता था। ठीक है, बहुत साल पहले इसको पेंजिया बोलते थे। अब ये जो पेंजिया है, धीरे धीरे जाके यहाँ पे ये ऐसे हुआ, देन नंबर थर्ड ये ऐसे, एंड देन ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये पेंजिया के अंदर यहाँ पे लोरेसिया एंड गोंडवाना, ठीक है, ये दो पार्ट्स के अंदर अलग अलग सेपरेट हो गया। सेपरेट कैसे हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जब अर्थ है वो उस टाइम पे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज में थी, एंड उस टाइम पे इसकी जो क्रस्ट थी, क्रस्ट के ऊपर जो प्लेट्स थी, ठीक है, अर्थ क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स जो है वो इन जियोग्राफिकल हम बोल सकते हैं कि वहां पे अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते थे, जियोग्राफिकल इवेंट्स होते थे, उनकी वजह से क्या थे, वो जो है अपनी पोजीशन चेंज करती रहती थी। एंड इन पोजीशन चेंज करने की वजह से ये जो यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स थे वो ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट, इनके बीच में सी जो है ये आने लगा, यानी कि ये प्लेट्स जो है क्रस्ट की वो अलग होना स्टार्ट हो गई, एंड ये ऐसे करके अरेंज हो गई जो कि जो अर्थ है वो आज के टाइम पे नजर आती है, जिसके अंदर ये सिक्स कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग सिक्स कॉन्टिनेंट्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऐसे होंगी। तो अर्ली क्या था, एक पेंजिया था। उसके बाद ये जो है कुछ जियोग्राफिकल इवेंट्स की वजह से सेपरेट होना स्टार्ट हुआ, एंड देन ये जो है अर्थ ऐसे दिखती है आज के टाइम पे। इसके बाद अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के अंदर कौन कौन से एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं, तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल है डार्विन फिंचेस का, जो कि हमने कई बार कई केसेस के अंदर इसका एग्जांपल डिस्कस कर लिया है। तो डार्विन फिंचेस की अगर हम बात करें, चार्ल्स डार्विन फाउंड द गैलापागोस आइसलैंड हैव मैनी एंडेमिक स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उस गैलापागोस आइसलैंड के ऊपर बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज थी प्लांट्स एंड एनिमल्स की। डार्विन फाउंड दैट द फिंचेस, अबाउट 20 वेराइटीज डार्विन ने ऑब्जर्व की वहां पे मिली उसको, फाउंड ऑन डिफरेंट आइसलैंड्स ऑफ द गैलापागोस आइसलैंड। अब गैलापागोस आइसलैंड ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक मास है, वो भी छोटे छोटे 22 आइसलैंड, छोटे छोटे सब आइसलैंड के अंदर बटा हुआ है। तो इसने देखा जो डिफरेंट डिफरेंट आइसलैंड्स है गैलापागोस आइसलैंड के, उनके ऊपर अलग अलग टाइप की वेराइटीज होती है, और इसने 20 वेराइटीज वहां पे मिली इसको। डिफर फ्रॉम वन अनदर मेनली इन साइज एंड बिल शेप। बिल शेप को हम बोल सकते हैं बीक शेप। ठीक है, जो है बिल है एक तरह से, कई बार इसको बीक का ही सिनोनिम यूज करते हैं। वैसे जो बिल होता है वो क्या होता है, इसके अंदर एक हार्ड पार्ट होता है जिसके अंदर जोज आती है, एंड इसके ऊपर एक पार्ट होता है जो इसको कवर करके रखता है, एंड जो पार्ट इसको कवर करके रखता है उसकी कंपोजिशन हमारे नेल्स जैसी ही होती है। तो यहाँ पे इसने मेनली साइज एंड बिल शेप देखा ड्यू टू डिफरेंट फीडिंग हैबिट, क्योंकि इनकी जैसी फीडिंग हैबिट होगी वैसे ही इनकी बिल शेप या फिर बीक शेप होगी। बट वर्क क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर, लेकिन ये इसने ये भी देखा कि हाँ वो उनकी फीडिंग हैबिट्स की वजह से उनका साइज एंड बिल शेप अलग अलग है, लेकिन वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। These birds are now called Darwin finches, and इनको बोला जाता है डार्विन फिंचेस आज के टाइम में। इसके बाद डॉक्टर डेविड लैक ने क्या कहा, प्रपोज किया दैट दीज बर्ड्स हैव इवोल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, अब ये एक दूसरे से बहुत सिमिलरिटी क्लोजली रिलेटेड है, तो इसलिए इनको बोला गया कि एक कॉमन एंसेस्टर से ही अराइज हुए हैं, एंड उस कॉमन एंसेस्टर को बोला जाता है सीड ईटिंग ग्राउंड फिंचेस। ठीक है, सीड ईटिंग ग्राउंड फिंचेस थी वहां पे, एंड लिविंग इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ साउथ अमेरिका मेनलैंड। हमने भी देखा था इसके अंदर मैप के अंदर, तो ऐसे एरिया जो था यहाँ पे साउथ अमेरिका है, एंड यहाँ पे जो है गैलापागोस आइसलैंड है। ठीक है, ऐसा ही था कुछ।
गैलापागोस आइसलैंड है यहाँ पे। तो ये जो मेनलैंड थी साउथ अमेरिका की, यहाँ पे सीड ईटिंग, यहाँ पे जो है सीड ईटिंग ग्राउंड फिंचेस रहती थी, एंड धीरे धीरे करके जो है इधर मूव करके आई है गैलापागोस आइसलैंड के ऊपर। बट लेटर दिस फिंचेस रेडिएट टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, लेकिन उस मेनलैंड से, साउथ अमेरिका की मेनलैंड से धीरे धीरे करके ये रेडिएट हुई, अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज के अंदर चली गई। एंड वहां पे जैसा भी इनको एटमोसफियर, एनवायरमेंट मिला, जैसा भी फूड मिला, हैबिटेट मिला, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंटली ये अडेप्टेड हो गई, अडेप्टेड डिफरेंटली इन देयर फीडिंग हैबिट्स। सो डिवेलपिंग टाइप्स ऑफ बीक, तो अलग अलग टाइप्स की बीक इन्होंने डिवेल्प कर ली फिंचेस ने, लाइक वुड पेकर, लाइक इंसेक्टिवोरस फीडिंग, वेजिटेरियन, कैक्टस फीडिंग, वार्बलर फिंचेस। ठीक है, सबसे पहले एंसेस्ट्रल कैसी थी, सीड ईटिंग फिंच थी। सीड ईटिंग फिंच से यहाँ से जो है ट्री फिंच निकली, देन अलग अलग टाइप की वार्बलर फिंच निकली, अलग अलग टाइप की फिंच जो है ये ऐसे अराइज हुई थी। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या थी, साउथ अमेरिका की मेन लैंड के ऊपर वहां पे फिंचेस थी, एंड ये फिंचेस जो है बाद में जाके रेडिएट हो गई, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज के अंदर चली गई, एंड उन एरियाज के अकॉर्डिंग इन्होंने डिफरेंटली खुद को अडेप्ट कर लिया। ठीक है, अडेप्टेड डिफरेंटली, डिफरेंटली अडेप्टेड किसमें किया, इनकी फीडिंग हैबिट्स के अंदर किया। फीडिंग हैबिट्स में भी इनकी अलग अलग फीडिंग हैबिट की वजह से इनकी अलग अलग टाइप की बीक डिवेलप होगी, किसी की वुड पेकर टाइप होगी, किसी की इंसेक्टिवोरस होगी, किसी की वेजिटेरियन होगी, कैक्टस फीडिंग होगी, तो अलग अलग टाइप की इन्होंने बीक डिवेलप कर ली। सच एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस, अब ऐसी इवोल्यूशनरी प्रोसेस जिसके अंदर एक कॉमन एंसेस्टर था, उससे क्या हुआ, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस निकली, यानी कि ये अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर चली गई, जो भी स्पीसीज थी वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स थे, वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चले गए, एंड उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अडेप्ट कर लिया। तो ऐसी इवोल्यूशनरी प्रोसेस गिविंग राइज टू न्यू स्पीसीज, अब यहाँ पे जो स्पीसीज बनी है वो इनकी नई स्पीसीज बन गई है, एंड अडेप्टेड टू न्यू हैबिटेट। एंड इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे जब दूसरी जगह पे गई है तो इन स्पीसीज ने इसके उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस जगह के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लिया, वेज ऑफ लाइफ अडेप्ट कर लिए अलग अलग हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग, एंड इसको अडेप्टिव रेडिएशन बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, अडेप्टिव रेडिएशन बोला जाता है। एडेप्टिव रेडिएशन का मीनिंग है, एक यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर था, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ये रेडिएट हुए, एंड देन इन्होंने अडेप्टेशन कर ली, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अडेप्टेड हो गई, तो ये अडेप्टिव रेडिएशन इसको बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आता है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम, वह डिसेंडेंट्स ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर, एक कॉमन एंसेस्टर हो गया और उसके अलग अलग डिसेंडेंट्स हो गए, ठीक है, अलग अलग उससे जो भी बनेंगे वो उसके डिसेंडेंट्स होंगे, इनहेबिट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज एंड डिफर फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, कि एक कॉमन एंसेस्टर से, इस कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज के अंदर डिसेंडेंट्स चले गए। ठीक है, डिसेंडेंट्स अलग अलग जगह पे चले गए, एंड वो एक दूसरे से अब डिफर करते हैं, क्योंकि टाइम जैसे जैसे कोर्स ऑफ इवोल्यूशन चला उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, खुद को अडेप्ट कर लिया, कुछ नए कैरेक्टर्स इन्होंने इवोल्व कर लिए, तो उसकी वजह से ये एक दूसरे से अलग हो गई, इस कॉमन एंसेस्टर से अब ये बिल्कुल अलग दिखेंगे, एंड इसको डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टूडे द एलिगेटर आर फाउंड ओनली इन साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, जो कि एलिगेटर्स आज के टाइम पे साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट एंड ईस्टर्न चाइना के अंदर मिलते हैं, वो दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग है, लेकिन इनिशियली वो एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, एक ही स्पीसीज थी, लेकिन अलग अलग जगह पे रहने के बाद वो क्या हो गई, अलग अलग स्पीसीज बन गई, यानी इन अलग अलग स्पीसीज के बीच में कोई, हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में पहले फ्रीली मूवमेंट होती थी, उसके बाद ये फ्रीली मूवमेंट बंद हो गई। लाइक इसमें देखें हम, ये यहाँ पे साउथ ईस्टर्न यूएस यूनाइटेड स्टेट का एलिगेटर है, एंड ये है ईस्टर्न चाइना का एलिगेटर, तो दोनों क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं। अलग क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये जो है एक तरह से बोल सकते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में रहने की वजह से एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं।
इट वॉज सजेस्टेड दैट ड्यूरिंग अर्ली सीनोजोइक ईरा, अब ये कैसे अलग हुए इसकी एक स्टोरी है कि जब अर्ली सीनोजोइक ईरा था उस टाइम पे नॉर्थ अमेरिका एंड ईस्ट एशिया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एंड ईस्ट एशिया कंटिन्यूटी के अंदर थे। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें इस पिक्चर के अंदर, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका एंड यहाँ पे ईस्ट एशिया दोनों ही कंटिन्यूटी में थे। कंटिन्यूटी में होने की वजह से बाय ए लैंड ब्रीज इन द बैरिंग स्ट्रेट रीजन एंड देर वॉज अ फ्री मूवमेंट ऑफ एलिगेटर्स फ्रॉम एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इन एरियाज में, दोनों में क्या है, नॉर्थ अमेरिका एंड जो ईस्ट एशिया है दोनों के अंदर फ्रीली मूवमेंट होती थी ऑर्गेनिजम्स की और एलिगेटर्स की। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया यहाँ पे ये जो है नॉर्थ अमेरिका एंड जो ये एशिया था ईस्ट एशिया था दोनों अलग हो गए, इनके बीच में एक बैरियर आ गया एंड इस बैरियर को क्या बोला जाता है, इस बैरियर को सी बोला जाता है। बैरियर आ गया जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट बंद हो गई एंड टाइम के साथ ये क्या हो गई, अलग अलग स्पीसीज बन गई। सो एलिगेटर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर रीजन, ठीक है, एलिगेटर जो है वो एंटायर रीजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड थे लेकिन वो धीरे धीरे करके क्या हो गए, सेपरेट हो गए, यानी कि वो अलग अलग दिखने लग गए, अब डिफरेंट हो गए एक दूसरे से। इन लेट सीनोजोइक एरिया बैरियर्स वर डिवेल्प बिटवीन दीज एरियाज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिगेटर्स बिकेम डिसकंटिन्यूअस। ये भी हमने देख लिया कि लेट सीनोजोइक एरिया के अर्ली सीनोजोइक एरिया के अंदर वो जुड़े हुए थे, ठीक है, साउथ अमेरिका एंड जो हमने बात की थी यहाँ पे ईस्ट एशिया दोनों जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही लेट सीनोजोइक ईरा आया उस टाइम पे इनके बीच में बैरियर डिवेल्प हो गया जिसकी वजह से जो एलिगेटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। लाइक ये अभी हमने बात की थी पहले जुड़े हुए थे नॉर्थ अमेरिका एंड जो ईस्टर्न एशिया था, ये बाद में क्या हो गए, यहाँ पे सेपरेट हो गए। एज दीज एरियाज हैड डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस, अब ये जो अलग अलग एरियाज थे सेपरेट हो गए, इनके अंदर क्या है, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस बन गए। The alligators of two areas develop from different mutations and इन दोनों जगह के जो अलग अलग जगह के यहाँ पे alligators थे उन्होंने क्या कर ली, different different mutations या फिर variations develop कर ली, so they became slightly different but related species of the same genus। species अलग है लेकिन same genus से है, थोड़े बहुत ये related species हम इनको बोल सकते हैं एंड स्लाइटली डिफरेंट भी है, अलग अलग जगह पे रहने की वजह से इन्होंने अडेप्टेशन कर लिया अलग अलग। इट इज सपोर्टेड बाय द अकरेंस ऑफ मंगोलियस ट्यूलिप्स एंड सेसाफ्रास प्लांट्स जो होते हैं ईस्टर्न यूएसए के अंदर एंड चाइना ओनली, ये भी इसी वजह से हुए, डिस्ट्रीब्यूटेड तो उस एरिया के अंदर हुए थे लेकिन वो क्या हो गए, वो एरिया सेपरेट हो गए, इस वजह से सिर्फ उन दो एरियाज के अंदर ये नजर आते हैं। सिमिलरली लंग फिश जो होती है, ठीक है, लंग फिशेज जो होती है आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन एंड थ्री डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ये तीन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर नजर आती है। जैसे इसमें स्पीसीज की अगर हम बात करें, नियोसेराटोडस जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती है, लेपिडोसायरन जो कि साउथ अमेरिका के अंदर होती है, प्रोटोपटेरस जो कि अफ्रीका के अंदर होती है ये क्या है, तीनों की तीनों लंग फिश है लेकिन ये अलग अलग जगह पे रहने की वजह से इनके अंदर भी डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये हो गई ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, अफ्रीकन लंग फिश एंड साउथ अमेरिकन लंग फिश, जो कि अलग अलग थोड़ी बहुत इनके अंदर स्लाइटली जो चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एलिफेंट्स आर फाउंड इन इंडिया, जो एलिफेंट्स इंडिया एंड अफ्रीका के अंदर मिलते हैं बट नॉट ब्राजील, ठीक है, ब्राजील के अंदर वैसे नहीं मिलते हैं। तो हम बोल सकते हैं इंडिया एंड अफ्रीका एंड ब्राजील के जो इंडियन अफ्रीका के जो एलिफेंट्स हैं वो एक से हैं, ब्राजील के अलग है। दो इट हैज सिमिलर क्लाइमेट, और इनके पास क्या है, सिमिलर क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट सिमिलर है तो वैसे ही होने चाहिए, वैसे ही करेक्टर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ये इंडिया का एलिफेंट है एंड ये ब्राजील का एलिफेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है कैमल्स आर फाउंड इन एशिया एंड ललामा आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, ये दोनों भी क्या है, डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। ये यहाँ पे कैमल हो गया एशिया का एंड ये लामा हो गया साउथ अमेरिका का, ये भी दोनों क्या है, डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट थर्ड टाइप का एग्जांपल आता है रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रेस्ट्रिक्ट हो गया है ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो रेस्ट्रिक्ट हो गया है। व्हेन सम यूनिक ऑर्गेनिज्म, जब कोई यूनिक ऑर्गेनिजम्स आर कन्फाइंड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो सिर्फ कुछ पार्ट्स के अंदर, वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स के अंदर ही कन्फाइंड हो गए हैं, रेस्ट्रिक्ट हो गई है, इट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एगलिंग मैमल्स जो होते हैं, ठीक है, एगलिंग मैमल्स के अंदर, जैसे कि जिनको प्रोटोथेरियंस बोला जाता है, जिसके अंदर डक बिल्ड प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर आते हैं, एंड मार्सुपियस जिनको मेटाथेरियंस बोला जाता है, जिसके अंदर कंगारू आता है, आर रेस्ट्रिक्टेड इन ऑस्ट्रेलिया ओनली, बट दिस कॉन्टिनेंट हैज ओनली फ्यू प्लेसेंटल मैमल्स। अब इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर प्लेसेंटल एनिमल्स जो है वो बहुत कम मिलते हैं, सिर्फ फ्यू ही है, लेकिन स्टिल इनके अंदर जो ये प्रोटोथेरियंस या फिर मेटाथेरियंस है जिनकी हमने बात की है, डक बिल्ड प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर और कंगारू, ये तीनों इनके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्पाइनी एंट ईटर, ये डक बिल्ड प्लेटिपस हो गया, स्पाइनी एंट ईटर एंड कंगारू, ठीक है, ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। इट इज एक्सप्लेन्ड एज दैट ऑस्ट्रेलिया सेपरेटेड फ्रॉम मेन लैंड ऑफ एशिया, ठीक है, ये एक्सप्लेन किया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एशिया की मेन लैंड से सेपरेट हुआ है ड्यूरिंग क्रस्टेशियस पीरियड ऑफ मीजोजोइक ईरा, ठीक है, मीजोजोइक ईरा के क्रस्टेशियस पीरियड के ड्यूरिंग जो एशिया है, एशिया की मेन लैंड से ही ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेपरेट हुआ है, एंड बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ प्लेसेंटल मैमस, एंड उस टाइम पे प्लेसेंटल एनिमल्स का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, यानी कि यूथेरियंस का, विच एलिमिनेटेड दैम इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड इन्होंने क्या किया, इस वजह से इवोल्यूशन ना होने की वजह से जो इनका एलिमिनेशन है दूसरे वर्ल्ड के पार्ट से, वो एलिमिनेशन हो गया, सिर्फ ये रेस्ट्रिक्ट हो गई है सम पार्ट्स के अंदर, एंड वो सम पार्ट्स क्या है, लाइक ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही ये रेस्ट्रिक्ट हो गई है, डक बिल्ड प्लेटिपस, स्पाइनी एंट ईटर और कंगारू। वॉटर बैरियर्स बिटवीन द ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन रिलम्स कॉल्ड वेलस लाइन, अब एक लाइन प्रेजेंट होती है जिसको वेलस लाइन बोला जाता है, ये जो यहाँ पे नजर आ रही है ये डॉटेड लाइन है, ठीक है, जो ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है क्या है, यहाँ पे वेलस लाइन है, ये वेलस लाइन क्या करती है, यहाँ पे ओरिएंट जो ओरिएंटल रिलम है एंड ऑस्ट्रेलियन रिलम है, इन दोनों रिलम्स को सेपरेट करती है, इसको वेलस लाइन बोला जाता है। तो इस वजह से डार्विन एक्सप्लेन दैट मेटाथेरियंस सर्वाइव्ड, ठीक है, एंड फ्लूरिस्ट एंड इवोल्व अलोंग द डिफरेंट लाइंस बाय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और अडेप्टिव रेडिएशन, भी इसी को बोला जाता है, इन ऑस्ट्रेलिया रीजन एज फाउंड इन फिंचेस इन द गैलापागोस आइसलैंड। तो ऐसा हुआ, डार्विन ने इनको एक्सप्लेन किया कि ऐसा कैसे होता है रेस्ट्रिक्टेड जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कि जो मेटाथेरियंस उस टाइम पे थे वहां पे, उन्होंने सर्वाइव किया, एंड सर्वाइव करने के बाद वो फ्यूरिस्ट हुए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो किया, इस वजह से वो अलग अलग उनकी जो स्पीसीज देखने को उसी ऑस्ट्रेलिया रीजन के अंदर ही देखने को मिलती है, जैसे कि फिंचेस मिलती हैं गैलापागोस आइसलैंड के ऊपर। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे पहले यहाँ पे मार्सुपियल्स थे, मार्सुपियल की रेडिएशन हुई, यानी कि यहाँ पे क्या हुई, अडेप्टिव रेडिएशन शो की गई, अडेप्टिव रेडिएशंस, एंड इस अडेप्टिव रेडिएशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस कॉमन एंसिस्टर से अलग अलग डायरेक्शन के अंदर रेडिएट कर गई, लाइक यहाँ पे अलग अलग वोल्फ, कैट, एंट ईटर, मार्सुपियल, रैट हो गया, या फिर यहाँ पे कंगारू हो गया, वोम्बैट, बेंजीकूट, कोयला एंड मार्सुपियल मोल, ग्लाइडर, ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे अराइज हुए। इसके अलावा हमने अडेप्टिव रेडिएशन पहले भी डिस्कस किया है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट है नंबर फोर्थ, कन्वर्जेंट और पैरेलल इवोल्यूशन, ठीक है, कन्वर्जेंट एंड पैरेलल इवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो एंसिस्टर्स होते हैं यहाँ पे वो क्या होते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं, और वो एक ही टाइप के हम बोल सकते हैं पैरेलली इवोल्व होते हैं, ठीक है, यानी ये फंक्शंस क्या है, सेम शो करते हैं, जैसे कि एनालोगस ऑर्गन्स के अंदर हमने डिस्कस किया था, ओरिजन इनका अलग अलग है, ओरिजन क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है, एंड लेकिन फंक्शन सेम करते हैं, तो ये पैरेलली इवोल्व होके आई है। द फॉर्म ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज
इन विच नेचुरल सिलेक्शन कैन इंड्यूस एनिमल ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, इवोल्यूशनरी चेंज के अंदर नेचुरल सिलेक्शन ने इंड्यूस किया एनिमल्स को, दो डिफरेंट ग्रुप्स के एनिमल्स को, टू अंडरगो सिमिलर अडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल, कि वो सर्वाइवल के लिए एक ही अडेप्टेशन शो करेंगे, फॉर से एक ही वहां पे एक ही टाइप का फूड प्रेजेंट है, एक ही टाइप का फ्रूट प्रेजेंट है, और उनको सर्वाइव करने के लिए उसी फ्रूट को खाना पड़ेगा। तो वो जो दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स थे वो उसी फूड के ऊपर ईट करेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक ही टाइप का यहाँ पे हम बोल सकते हैं फूड ईट कर रहे हैं, यानी कि एक ही टाइप की अडेप्टेशन वो शो करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, दो डिफरेंट ग्रुप्स के एनिमल्स वो सिमिलर अडेप्टेशन के अंडर जाते हैं फॉर सर्वाइवल इन द सिमिलर हैबिटेट, सिमिलर एक से हैबिटेट के अंदर सर्वाइव करने के लिए, एंड उस हैबिटेट के अंदर, उस एक से हैबिटेट के अंदर एक से ही रिसोर्सेज प्रेजेंट है, एंड उन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर इनको सर्वाइव करना है। तो सर्वाइव करने के लिए वो क्या करेंगे, अडेप्टेशंस अडेप्ट करेंगे, खुद को अडेप्ट करेंगे उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग, एंड इसको कन्वर्जेंट और पैरेलल इवोल्यूशन बोला जाता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है और वो क्या शो कर रहे हैं, एक ही टाइप की अडेप्टेशन यहाँ पे शो करेंगे, एंड वो अडेप्टेशन क्या होगी यहाँ पे, इसको कन्वर्जेंट और पैरेलल इवोल्यूशन बोला जाता है, जो हम डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं एनालोगस ऑर्गन्स के अंदर विद एग्जांपल्स। लाइक यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं पैरेलल इवोल्यूशन की, तो पैरेलल इवोल्यूशन के अंदर लाइक निच यहाँ पे दे रखा है, बर्रोर हो गया, प्लेसेंटल एनिमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये मोल हो गया, ये मार्सुपियल मोल हो गया, यहाँ पे एंट ईटर के अंदर ये लेजर हो गया, ये नुम्बेट एंट ईटर हो गया, माउस के अंदर ये माउस हो गया, ये मार्सुपियल माउस हो गया, लेमूर के अंदर क्लाइंबर लेमूर हो गया, यहाँ पे स्पॉटेड कसकस हो गया, ग्लाइडर के अंदर फ्लाइंग स्क्रेल हो गई, यहाँ पे फ्लाइंग फ्लेंजर हो गए, कैट के अंदर ओसिलोट हो गया, यहाँ पे टाइगर कैट हो गई, वोल्फ के अंदर यहाँ पे वोल्फ है, यहाँ पे तस्मानियम वोल्फ प्रेजेंट है। तो ये क्या है, यहाँ पे इन एनिमल्स ने, इन स्पीसीज ने क्या शो की, यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो किया है, एक ही एरिया में रहने की वजह से इन्होंने क्या शो कर दिया है, उसी टाइप के करेक्टर्स या फिर हम बोल सकते हैं अडेप्टेशन शो की है। ठीक है, अडेप्टेशंस इन्होंने क्या शो की है, उसी टाइप की शो की है, जिसकी वजह से ओरिजन तो इनका अलग था, ओरिजन क्या था यहाँ पे, डिफरेंट था, लेकिन इनकी अडेप्टेशन क्या हो गई है, सेम हो गई है और सिमिलर हो गई है, एंड उसकी वजह से ये फंक्शंस भी क्या होंगे इनके, सिमिलर हो गई। तो ये पैरेलल और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। इन अदर वर्ड्स देयर फिनोटाइप्स, ठीक है, अगर हम इसको डिटेल में देखें इसका थोड़ा सा, तो इनके जो फिनोटाइप्स है हाउ कन्वर्ज्ड, ये क्या हुए, कन्वर्ज्ड हुए हैं। फॉर एग्जांपल मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिजेंबल दोज ऑफ द प्लेसेंटल मैमल्स ऑफ अदर कॉन्टिनेंट्स विच लिव इन सिमिलर हैबिटेट्स, सिमिलर हैबिटेट के अंदर रहते हैं, एंड ये प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलिया ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। क्यों रिजेंबल करते हैं, क्योंकि सिमिलर हैबिटेट के अंदर रहते हैं, सिमिलर अडेप्टेशन इन्होंने अडेप्ट करी है सर्वाइवल के लिए। तो ये कन्वर्जेंट और पैरेलल इवोल्यूशन अपने फिनोटाइप्स के अंदर शो करेंगे कि फिनोटिपिकली ये देखने में एक से ही नजर आते हैं हमें। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के बारे में कि डिफरेंट डिफरेंट कैसे यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड इवोल्यूशन होता है, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर कन्वर्जेंट और पैरेलल इवोल्यूशन होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है साइटोलॉजिकल एविडेंसेस, इसके बाद हमारी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के एविडेंसेस कंप्लीट हो जाएंगी। तो साइटोलॉजिकल एविडेंसेस की अगर हम बात करें, All the living organisms are similar in being. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ चीजों के अंदर सिमिलर होते हैं, जैसे कि सेलुलर इन नेचर, सेल्स के बने होते हैं, और फॉर्म्ड ऑफ वन जैसे कि प्रोटोजोन्स और मोर सेल्स जैसे कि मेटाजोन्स, जैसे कि प्रोकैरियोट सिंगल सेल के बने होते हैं, यूकैरियोट्स ज्यादा सेल्स के बने होते हैं, वैसे ही प्रोटोजोन्स जो है वन सेल के बने होते हैं, मेटाजोन्स ज्यादा सेल्स के बने होते हैं। प्रेजेंस ऑफ सिमिलर ऑर्गेनल्स एंड सिमिलर ऑर्गेनल की प्रेजेंस हैविंग सिमिलर अल्ट्रास्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, ये भी क्या शो करता है कि ये इनकी कॉमन एंसेस्ट्री है। इसके अलावा इन ऑल द सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिमिलर मटेरियल, एंड सेल्स जो है सिमिलर मटेरियल की बनी होती है, लाइक प्रोटोप्लाज्म जिसको हम बोलते हैं, हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, एंड इसके पास सिमिलर फिजिकल बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है प्रेजेंट होती है।
बेसिक मेटाबॉलिक सेलुलर फंक्शंस, ठीक है। हमने बात की थी मेटाबॉलिक जो फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस थे उसके अंदर, कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है, वर्टिब्रेट्स है, वो एक टाइप के यहाँ पे सिमिलर टाइप की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस शो करते हैं। तो बेसिक मेटाबॉलिक सेलुलर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन सिमिलर वे, ये भी क्या है, एक सिमिलर वे के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। दीज सपोर्ट सपोर्ट दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर इंटर रिलेटेड। तो ये क्या शो करता है, ये एविडेंट करता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटर रिलेटेड एंड हैव कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है। ये एविडेंसेस क्या शो करते हैं, इंटर रिलेटेड एंड कॉमन एंसेस्ट्री है। तो ये साइटोलॉजिकल एविडेंसेस हो गए। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जो इन ऑल ये शो करते हैं कि इन सारे ऑर्गेनिजम्स का जो है, हम बोल सकते हैं कि कॉमन एंसेस्ट्री है, और हम बोल सकते हैं मोनोफाइलेटिक ओरिजन है एंड इंटर रिलेटेड होते हैं। लेकिन अडेप्टेशन की वजह से वो अलग अलग टाइप के फंक्शंस, अडेप्टेशंस, उनकी मॉर्फोलॉजी, वो जो है वो शो करते हैं। तो यहां तक हमने मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, एम्ब्रोलॉजिकल, पेलेंटोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, बायोजियोग्राफिकल एंड साइटोलॉजिकल एविडेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो आप वहां से भी देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।